That's a bronze medal that is as precious as an Olympic gold medal. Joining us is India's first medalist from these games in Rio, bronze medalist from the 56 kilogram freestyle event, Sakshi Malik. Sakshi, बहुत बहुत मुबारक. करीब तीन घंटे हो गए कि आपने history create किया, bronze medal अभी आप पहने हुए हो. अभी तक realize हुआ है कि आपने क्या achieve किया है? जी, realize हुआ है. वो तीन घंटे से life different लग रही है. सब पूछ रहे हैं, बहुत स्पेशल बना दिया मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. मेरी बेस्ट फीलिंग है सर. जब पॉइंट्स फाइनल आए, 8-5 से आपने अपने ओपोनेंट को बीट किया, क्या इमोशंस थे आपके अंदर? क्योंकि ये पहला मेडल है इंडिया के लिए इन गेम से. बहुत दिनों से सब इंतज़ार कर रहे हैं और पहला मेडल आपने देश को दिया है. जी, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मेडल नहीं आ रहे. मैं खुद बहुत ज़्यादा इंतज़ार, रोज़ रोज़ आया किसी का बात करना कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया से मेडल नहीं आ रहा. तो फिर रेसलर्स पे उम्मीद थी, तो मैंने आज करके दिखाया और आप देखेंगे कि अभी और मेडल्स आपको मिलने वाले हैं. क्या इमोशंस, कितना इमोशनल था? थोड़े उस मोमेंट के बारे में, फीलिंग्स के बारे में हमें बताओ. बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि वो 12 साल से मैंने इसके लिए मेहनत की है, दिन रात इसके लिए दिया है. सुबह सोती हूँ, उठती हूँ तो ओलंपिक्स में जा रही हूँ, मैं ओलंपिक्स में हूँ. मैं जब ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मैं वहाँ पोडियम पे खड़ी हूँ. तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रेशर होता है. आप एक प्लेयर की ये प्रेशर आप कभी नहीं समझ सकते. बिल्कुल ऐसा प्रेशर तो मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं बड़े बड़े, लेकिन उनमें नहीं आया. लेकिन जो प्रेशर यहाँ है. तो साक्षी, बाउट जीतने के बाद जैसे हमने देखा आपने फ्लैग लिया, आप नीचे झुक गए थे फ्लैग को कवर करके, एंड यू टुक अराउंड. ये मोमेंट्स भी आपने पहले इमेजिन किया? हाँ, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. सोते सोते सपने आते? जी बिल्कुल. मेरा सपना था कि मैं इंडियन फ्लैग लेके मैट के चारों तरफ घूमूं. ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिल्वर था, तो सिल्वर वाले को ऐसे मतलब करने का वो नहीं मिलता, क्योंकि वो हार ही होती है. तो अब मुझे ये था कि बस इस गेम्स में मुझे अपना सपना पूरा करके जाना. जी, मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था. इमोशनल मोमेंट है. और साक्षी, सारे एथलीट्स जो यहाँ तक पहुँचते हैं, उन लोगों का जर्नी बहुत टफ रहता है, बहुत सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है. आपके लिए सबसे टफ इस जर्नी का सबसे टफ पार्ट क्या रहा है? टफ पार्ट हमारा तो रोज रोज होता है. ट्रेनिंग कर रहे हैं और घर से दूर है, और कहीं इंजरी हो रही है, डेली प्रेशर आ रहा है कि क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई के बाद अब मेडल के लिए लड़ना है, इंडिया को मेडल देना है. तो जी, ये बहुत ज़्यादा मतलब जर्नी कैसे बताऊँ मैं, मेरी बहुत बड़ी है कि भाई मैंने कब से इस चीज़ के लिए कितनी और क्या क्या मेहनत की है. साक्षी, आपके बाउट के पहले विनीश भी लड़ रही थी 48 किलोग्राम्स कैटेगरी में, इंजरी हो गया था उसको, फिर आप लड़ रही थी सेम टाइम में और आपको रेपेशाज के लिए वेट करना पड़ा. वो मोमेंट्स कितने एंशियस थे, आपको नर्वस लग रहा था, कैसे टाइम किया? जी, विनेश को इंजरी हुई तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मुझे खुद उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी. तो फिर मुझे ये हो गया कि अब तो सिर्फ तेरे हाथ में है, तू ही खाता खोल सकती है. लेकिन पूरे दिन में मुझे नेगेटिव फीलिंग कभी नहीं आई कि नहीं नहीं मेडल, ये था कि मेडल लेके जाना है और आज शुरुआत करनी है. फाइनली घर में बहुत लोग, शायद फैमिली मेम्बर से आप अभी बात भी नहीं कर पाए हैं, बैक होम आपका क्या मैसेज रहेगा टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड फैंस? उन्होंने मुझे देखा है मेहनत करते हुए, पापा ने, मम्मी ने, स्टेडियम में आते थे, मुझे देखते थे मेहनत करते हुए. तो अभी पापा से भी बात हुई तो वो इमोशनल हो रहे थे, मम्मी भी. तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इमोशनल छोड़ दो, इतना अच्छा काम करके दिखाया, कुछ ही बना लो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस अगेन. थैंक यू.